Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you are all fine. Today our topic is Naat. Okay. Open your Urdu reading book page number 5. Okay. Subak number 2 hai aapka Naat aur page number 5 Urdu reading book open kar le aur jaldi se aur pencil le aaye. ठीक है. सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर को नात को पढ़ने के मकसद क्या है. ठीक है, हम नात को क्यों पढ़ रहे हैं, नात आपको क्यों पढ़ाई जा रही है. ठीक है, नात आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आपको नात का मफहूम समझ आ जाए, हम्द और नात में फर्क समझ आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत उजागर हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे से आगाह करना आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के औसाफ से आपको मुतालिफ करवाना. ठीक है, इसलिए हम आपको ये नात पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसलिए नात पढ़ रहे हैं. ठीक है, समझ आ गई आपको किस लिए नात पढ़ी जा रही है. अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम रिकॉल कर लेते हैं कि नात किसे कहते हैं. नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शाने करीमी बयान की जाए, उसे नात कहते हैं. नात और हम्द में फर्क क्या है. हम्द, आप जैसा कि मैंने जब आपको हम्द की रीडिंग करवाई तो आपको बताया था ना, हम्द किसे कहते हैं. हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की शान बयान की जाए और अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं. ओके, और नात किसे कहते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए और उनकी बड़ाई और उनकी तारीफ बयान की जाए, तो उसे नात कहते हैं. ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत आपको खुद ही हो जाएगी जब आपको उनकी बेशुमार औसाफ बेशुमार खूबियों का पता चलेगा और ये पता चलेगा कि हमारे प्यारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं. ठीक है, ओके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मर्तबे से आपको आगाह करना. आपने वैसे भी बेशुमार नाते सुनी होंगी उनके मर्तबे के बारे में, बेशुमार अहादीस या बेशुमार अकवाल, और कुरान ने इस बात का जो जिक्र किया है कि अल्लाह की जो अतात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात जो है वो अल्लाह की अतात है. ठीक है, अगर हम अपने नबी का हुक्म मानते हैं इसका मतलब है हम अपने अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं. ठीक है, इससे बड़ी शान आपको क्या हो सकती है. ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग. पेंसिल पकड़ लें हाथ में जल्दी से. नात इस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया. नात इस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया. इसमें जो शायर है महशर रसूल नकवी, वो कह रहे हैं कि उसी की तारीफ. ठीक है, नात का मतलब होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उसी की तारीफ, उस नबी की तारीफ जिसने हमें पैगाम हक सुनाया, यानी सच्चा पैगाम सुनाया. पैगाम हक का मतलब होता है सच्चा पैगाम, पैगाम हक, सच्चा पैगाम. पैगाम हक को अंडरलाइन कर लें और इसके ऊपर लिख लें सच्चा पैगाम, पैगाम. ओके, आगे है इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया. इंसानियत किसे कहते हैं, इंसानियत कहते हैं जो गुड क्वालिटीज होती है ना इंसान के अंदर, उसको इंसानियत कहते हैं. वो खूबियां जिनकी, जिसकी वजह से हम इंसान कहलाने के लायक हैं. ठीक है, वो जो हमारे अंदर खूबियां हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम इंसान कहलाने के लायक हैं, जो गुड क्वालिटीज हैं हमारी, वो इंसानियत उसको कहते हैं. ठीक है, अच्छा, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया. आगे, माँ बाप जिससे खुश हो वो राह भी बताई. माँ बाप, माँ बाप को हाईलाइट करने आपको सिलेंडर ब्लैक में आएगा. माँ बाप जिससे खुश हो वो राह भी बताई, जिससे खुदा हो राजी वो गुर हमें सिखाया. जिससे खुदा हो राजी वो गुर हमें सिखाया. गुर का मतलब होता है वो तरीका. ठीक है, किसी काम करने का तरीका उसको गुर कहते हैं. गुर कहते हैं किसी काम को करने का तरीका, सलीका जो होता है उसको गुर कहते हैं. अंडरलाइन कर रहे हैं उसके ऊपर इसके मीनिंग को लिख रहे. ठीक है, गुर कहते हैं किसी काम को करने का तरीका. ओके, अच्छा, इसको देख लेते हैं जरा इसकी डिटेल. माँ बाप जिससे खुश हो वो राह भी बताई, जिससे खुदा हो राजी वो गुर भी हमें सिखाया. ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की उनकी मर्तबे के बारे में, उनकी इज्जत और एहतराम के बारे में हमें कितना कुछ बताया. कुरान ने भी बताया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया ना कि माँ बाप को कैसे खुश करना है, कैसे उनकी अताअत करनी है और अल्लाह ताला को राजी करने के भी तरीके बताए. ठीक है, कैसे हम अल्लाह, हमने अल्लाह ताला से तौबा करनी है, कैसे हमने अल्लाह ताला को राजी करना है, कैसे इबादत करनी है, सारे तरीके हमें किसने बताए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. ठीक है, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्मे जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया. बज़्मे जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया, बज़्मे जहां को हाईलाइट कर लें आप,
ये आपके फिर हिंदी ब्लैंक में आएगा, ठीक है। बस में जहां का मतलब होता है कायनात, ठीक है, ये दुनिया। बस में जहां, ये दुनिया की महफिल, ये कायनात, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है शायर कह रहा है कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने का अल्लाह ने इरादा फरमाया, लेकिन सारे नबियों के बाद आपको दुनिया में भेजा, ठीक है। सारे आप खातमुन्नबी ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप खातमुन्नबी ना, आप पर नबुव्वत का सिलसिला, नबियों का सिलसिला खत्म हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, ठीक है। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें दिखाया। गाफिल का मतलब होता है बेखबर, गाफिल को जो अंडरलाइन कर ले और इसको को लिखे बेखबर, ठीक है। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर्क के, शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर्क के, कुफ्र कहते हैं इनकार करने को, कुफर का मतलब होता है मुनकर दीन, दीन से इनकार करने वाला, अल्लाह से इनकार करने वाला, नबी से इनकार करने वाला, और शर्क का मतलब होता है बुराई, शर्क का क्या मतलब होता है बुराई, ठीक है। अंडरलाइन कर लें कुफर शर्क को और उसको लिख लें मुनकर दीन और बुराई, ठीक है। दुनिया में जो है ना हर तरफ जो है ना कुफर शर्क के जो मतलब सब लोग जो है मुनकर दीन थे, काफी थे सब, जो जो है ना उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसान को आकर उसने इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया उसने, किसने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हर तरफ कुफ्र शर्क के जो है ना शोले भड़क रहे थे, मतलब जो है ना हर तरफ हर जो है सारे जो लोग हैं वो कुफर में मुब्तला थे, ठीक है, वो बुतों की पूजा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उन्हें इन सबसे निकाला और जहन्नुम की आग से भी बचाया, ठीक है। फैले जहां में हर सू, फैले जहां में हर सू तौहीद की शुआएं, फैले जहां में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया, ठीक है। हर सू का मतलब होता है हर तरफ, चारों तरफ हर सू जो है ना तौहीद की, अल्लाह की वहदानियत की, एक अल्लाह की, हर सू हर मतलब इंसान को पता चल गया कि अल्लाह एक है, हमने अल्लाह की बात करनी है, बुतों की पूजा नहीं करनी, ठीक है। हर तरफ जो है नूर की रोशनी होगी, एक अल्लाह की, हर सब लोग इबादत करने लग गए, ठीक है। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, महशर इसमें शायर ने अपने जो नाम को मतलब यूज किया है, भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे आके खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, मतलब लोग अपने खुदा को सारे बिल्कुल भूल गए थे, और जो है ना सारे लोग बुतों की पूजा करते थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह ताला को बिल्कुल भूल गए थे, हर तरफ जो हर किसी ने अपने बुत बनाए हुए थे, सब लोग उसकी पूजा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सबको बताया कि एक अल्लाह है, उसने हमें पैदा किया है, वही इबादत के लायक है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, ठीक है। तो आप जल्दी से मुझे बता दें कि आपने इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी खूबियां जो है इसमें जो नात में बयान हुई है वो बता दें, और नात का मतलब क्या है वो भी मुझे जल्दी से बता दें, ठीक है। हाँ जी, क्या आपने नाच से सीखा, क्या बातें सीखी, जल्दी से बताएं। सबसे पहले बताएं कि नाच कहते किसे हैं, वो नज़म जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जिक्र और उनकी शान बयान की जाए, समझ आ गई ना, उसको नाच कहते हैं। तो इसमें देखिए हमने कितनी सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियां बयान हुई हैं कि उन्होंने पैगाम हक सुनाया, इंसान को सीधे रस्ते पे चलाया, ठीक है, माँ बाप को राजी करने का तरीका और खुदा को राजी करने का तरीका बताया, ठीक है, और हर आदमी को मेहनत करने की तरफ रागब किया, ठीक है, जो सारे लोग गाफिल थे अल्लाह से, ठीक है, इंसानियत से, तो उन सबको जो अरब में इतनी बुराइयां फैली हुई थी उन सबको उनसे निकाला, ठीक है। हर तरफ जो है तौहीद की शुआएं फैल गई, ठीक है, हर तरफ तौहीद की रोशनी फैल गई, तो ये किसके किसकी वजह से हुआ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ, ठीक है। और एक बात कि जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो हम पर लाजिम है हम उन पर दुरूद भेजें, ठीक है, जब भी हमारे सामने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाएगा, चाहे अजान में भी हो तो हम जो है दिल में या अपनी जुबान में ऊंची भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। और ये आपने एक काम करना है कि जो है सब बच्चों ने नात की वीडियो बनानी है, अच्छी सी नात याद करनी है, ठीक है, सर्च करें आप अच्छी सी नात लिखें और फिर उसको याद करें, उसकी वीडियो बनाएं और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, ओके, देखना है आपकी जितनी बात मानते हैं या नहीं, ठीक है। हमने स्कूल को और टीचर को दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।